ओकुनोशिमा द्वीप, जो कभी एक शांतिपूर्ण मछली पकड़ने का स्थान था, को रूस जापान युद्ध के बाद एक गुप्त रासायनिक हथियार उत्पादन स्थल में बदल दिया गया था। इंपीरियल जापानी सेना ने सरसों गैस और आंसू गैस जैसे घातक रासायनिक एजेंटों का निर्माण करने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित की। जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बावजूद जापान ने रासायनिक युद्ध के अपने डर से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को धता बता दिया और गुप्त कार्यक्रम का पीछा किया। द्वीप के एकांत स्थान और कड़े सुरक्षा उपायों ने दशकों तक ऑपरेशन को छिपाए रखा। कठोर कार्य परिस्थितियों और सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण कई श्रमिकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयंत्र को छोड़ दिया गया और इसके रहस्य दफन कर दिए गए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय पीड़ा की स्थायी विरासत छूट गई। ओकुनोशिमा पॉइजन गैस संग्रहालय अब इतिहास के इस काले अध्याय की एक गंभीर याददाश्त के रूप में खड़ा है। फिलहाल इस द्वीप पर खरगोशों की एक बड़ी आबादी रहती है। उनमें से कई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वीप को पार्क के रूप में विकसित किए जाने पर जानबूझकर छोड़े गए खरगोशों के वंशज हैं,